Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. This is the third lecture of class 9th History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. पिछले दो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, ठीक है, जिनमें से लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स वर दी फर्स्ट थ्री आइडियोलॉजीज एंड सोशलिज्म जो यूरोप में लेटेस्ट क्या होती है, इमर्ज होती है. सोशलिज्म क्या है, सोशलिस्ट कौन है, ठीक है, और कौन से थिंकर्स आए जिन्होंने ये आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया, ये हमने देखा पिछले लेक्चर में. ये लेक्चर है सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में. अब देखते हैं सोशलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ. सो लेट अस सी कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे स्प्रेड होता है. ठीक है, यहां पर हमने देखा कि सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग आए, ठीक है, लेकिन जिनमें से जो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं वो होते हैं कार्ल मार्क्स. ठीक है, कार्ल मार्क्स के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं. और ये जब कार्ल मार्क्स के सपोर्टर्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं, मतलब सोशलिस्ट लोगों की जो पॉपुलेशन जब वो बढ़नी शुरू होती है, तो ये यूरोप की किसी एक कंट्री में सीमित नहीं रहते. मतलब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं, अब वो धीरे धीरे सोशलिज्म को जान रही हैं और उसको सपोर्ट कर रही हैं. ठीक है, ऐसे में हम देखते हैं कि जो सोशलिस्ट होते हैं लोग होते हैं, दे फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट वर्ल्ड वाइड. मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग सोशलिज्म को जानना चाहते हैं, सोशलिज्म को अपनाना चाहते हैं और अपनी कंट्री में सोशलिज्म को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट लोग, सब जगह से सोशलिस्ट लोग आके एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका नाम क्या है, सेकेंड इंटरनेशनल. दिस वॉज द इंटरनेशनल बॉडी. सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी जो बनती है, ये होती है सारे सोशलिस्ट लोगों के, सारे सोशलिस्ट लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका. इसके साथ साथ बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जो अपनी अपनी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करती हैं. हाँ, अब सोशलिस्ट लोग जो हैं ये पॉलिटिकल पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल अपीयरेंस करने के लिए तैयार होते हैं. जैसे कि जर्मनी में SDP बनती है. SDP मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. यहाँ पर जो वर्ड सोशल है, इट स्टैंड्स फॉर दी आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है. और ये जो SDP पार्टी जर्मनी में बनती है, इट समहाउ मैनेज्ड टू गेट सम सीट्स इन दी पार्लियामेंट, ठीक है. जर्मनी का जो पार्लियामेंट है वहां पर इनको कुछ सीट्स मिल भी जाती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. देन ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाते हैं. ब्रिटेन में जो सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाली पार्टी है उसका नाम है लेबर पार्टी. और इसको बनाने वाले कौन है, सोशलिस्ट लोग साथ में कुछ ट्रेड यूनियंस, ठीक है. इसको बनाने वाले लोग कौन है, सोशलिस्ट जो कहां को बिलोंग कर रहे थे, ब्रिटेन को, राइट, एंड द ट्रेड यूनियंस. फिर इसके बाद फ्रांस में पार्टी बनती है, उसका नाम होता है सोशलिस्ट पार्टी. तो हमने देखा कि तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है एक तरीके से हम कहें, जिनका हम नाम सुनते रहते हैं, जैसे फ्रांस, फ्रांस का हमने पूरी कहानी पढ़ ली फ्रेंच रेवोल्यूशन में. जर्मनी इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट नाज़िज़्म एंड हिटलर, राइट. और ब्रिटेन तो है ही, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया, ब्रिटेन में आया. इसने ही पूरी दुनिया की बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया और बहुत सालों तक उन पर रूल किया. इसलिए यहाँ पर ये तीन मेन कंट्रीज के बारे में हमने देखा है. जब ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हिस्ट्री में हम आज तक जिनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंट्रीज जब सोशलिज्म को सपोर्ट करने पर आती है, मतलब ऐसी कंट्रीज में कुछ लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल अपीयरेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. अब यहाँ पर जब ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी. इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन टिल द ईयर 1914 कहीं पर भी, मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो सोशलिस्ट पार्टीज होती है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, मतलब उनको मेजॉरिटी कहीं पर भी नहीं मिली, ठीक है. इसका कारण क्या है कि सोशलिज्म स्प्रेड तो हो रहा था, लेकिन अभी जो लोग वोट कर रहे हैं ना, सारे लोगों को उस पर भरोसा दिलाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, राइट. तो यहां पर क्या होता है, टिल 1914 The socialist people were unable to form the government in any of the country of Europe. ठीक है, तो
गवर्नमेंट कौन बना रहे हैं यहाँ पर? आपके लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। गवर्नमेंट किससे मिलकर बन रही है? इन तीन लोगों से, मतलब इन तीन आइडियोलॉजी के लोगों से मिलकर ही अभी तक क्या बन रही है? गवर्नमेंट। सोशलिस्ट लोग जो है वो अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाना पूरी तरीके से इनकी हार भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है, तो मतलब कि इन्होंने एक पॉलिटिकल अपीयरेंस को इमर्ज कर लिया है, ठीक है। पॉलिटिकल अपीयरेंस को इमर्ज कर चुके हैं, मतलब कि पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच में अपनी आइडियोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, और कुछ लेजिस्लेशन मतलब कुछ ऐसे लॉज जो बनते समय सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लेजिस्लेशन में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सोशलिज्म के आइडियाज को डालना शुरू कर दिया था, राइट। सो दिस वॉज हाउ द सोशलिज्म स्प्रेड इन यूरोप, और यहीं से कार्ल मार्क्स जो होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमने देखा कि सोशलिस्ट लोग अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाए। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सोशलिस्ट लोग अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं और कहां कहां बनाएंगे। रशिया, अब देखो रशिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। जब पूरी यूरोप के बाकी किसी कंट्री में सोशलिस्ट लोग गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो रशिया में क्यों बना पाए? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप इतना समझ आया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।